हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बर्गर दोस्तों। तो आइए बनाती हूँ बर्गर। बर्गर बनाने के लिए दोस्तों मैं मार्केट से बन ले आई हूँ, ये चार ले आई हूँ। मैंने ये 7 आलू उबाल लिए हैं दोस्तों। ये देखिए चावल का आटा भी मैंने तैयार कर लिया है और बर्गर में डालूंगी दोस्तों। वो खीरा भी मैंने काट लिया, ये टमाटर, ये प्याज और हरी चटनी मैं घर में ही बना रही हूँ दोस्तों। तो ये देखिए हरा धनिया ले लिया है, 2 लहसुन की कलियाँ ले लिया है और एक हरी मिर्ची है। हरी चटनी मैंने बना लिया है दोस्तों। ये देखिए टिक्की बनाने के लिए मैंने आलू को घिस लिया है दोस्तों। ये देखिए अब इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है दोस्तों। आलू को मैश कर लेती हूँ दोस्तों। ये देखिए मसाला इसमें ऐड कर दिया था मैंने। आलू को मैश कर लिया है दोस्तों। ये देखिए अब टिक्की बनाऊंगी मैं। तवा गरम हो चुका है दोस्तों, अब इसके अंदर हम तेल ऐड कर रहे हैं। तेल डाल रही हूँ दोस्तों। ये देखिए टिक्की छनने के लिए हाथ में थोड़ा तेल लगा लिया दोस्तों। इस देखिए अब आलू को इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे इस तरह से। आलू टिक्की भी मैंने तैयार कर लिया दोस्तों। ये देखिए हाथ के माध्यम से इसको मैं दोनों तरफ से हल्का हल्का दबा के प्रेस करके इसको तैयार कर लिया। अब मैं इसको ये चावल का आटा जो तैयार किया था दोस्तों इसके अंदर मैं ये आलू का टिक्की इस तरह से प्रेस कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए तेल भी गर्म हो चुका है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से इसको करना है। अब इसको मैं तेल में डाल रही हूँ। कढ़ाई गरम हो गया है दोस्तों। ये देखिए अब इसके अंदर हम तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम बन छान लेंगे। इसमें बन को मैंने सेक लिया है दोस्तों। ये देखिए तो कितना अच्छा हमारा टिक्की बन के तैयार है। ये देखिए कुरकुरा एकदम अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बन को मैंने काट लिया है। अब इसमें चाट मसाला ऐड करने जा रही हूँ। अब इसके अंदर हरी चटनी डाल रही हूँ दोस्तों। ये देखिए इस तरह से मिला लेना है हमें। ये टमाटो केचप चटनी है दोस्तों, मैं दुकान से लेके आई थी। इसको दूसरी तरफ से लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों अब इसके अंदर हम जो सब्जी काट के रखे थे खीरा टमाटर पनीर प्याज वो सब ऐड कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये बर्गर बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। ये देखिए प्याज भी डाल रही हूँ दोस्तों और ये टमाटर मैंने एक लिया था इसको छील ली हूँ दोस्तों। छील के इसको अच्छे से काट लिया है। ये देखिए अब इसके अंदर हम पनीर ऐड कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए अब इसके अंदर हम टिक्की ऐड करने जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार है कुरकुरा एकदम। ये देखिए दोस्तों अब इसको इस तरह से ढक लूंगे। ये देखिए इसके ऊपर से तुरटिक लगा दिया है दोस्तों। ये देखिए ये बर्गर वाली रेसिपी मेरी बनके तैयार हो गई है दोस्तों। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, उतना ही अच्छा खाने में भी लगता है दोस्तों। बर्गर वाली रेसिपी मेरी बनके तैयार हो गई दोस्तों। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू।